चरम पर है। एक के बाद एक सभी राजनीतिक दलों के नेता लगातार जीत का दावा कर रहे हैं, साथ ही साथ विधानसभा क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से वोट की अपील भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में कानपुर देहात के अकबरपुर में पीएम मोदी ने सीएम योगी के साथ जनसभा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए कानपुर देहात की अकबरपुर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले और दूसरे चरण के मतदान ने ये साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा और योगी आदित्यनाथ की सरकार जोर शोर से आ रही है। हर वर्ग और जाति के लोगों ने बिना बटे और बिना भ्रम में पड़कर यूपी में पहले चरण में भाजपा को बहुत आगे बढ़ा दिया है। 19 में फिर एक बार हराया और अब 22 में भी गौर परिवारवादी फिर से हारेंगे। यूपी को लूटा, दिन रात लूटा और यहां के लोगों को अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के हवाले कर दिया। सबका साथ सबका विकास, यही हमारा मंत्र है, यही हमारा संकल्प है। कानपुर देहात में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही सीएम योगी भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना जैसी महामारी में वैक्सीन देकर देश को बचाया है, इसीलिए वैक्सीन के लिए दुष्प्रचार करने वालों को वोट की चोट से करारा जवाब दीजिए। जो बचाएगा वो सच्चा साथी है, जो गुमराह करेगा वो अवसरवादी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कोरोना प्रबंधन का जो कार्य भारत के अंदर हुआ, आज पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है। इसी मोदी वैक्सीन ने, इसी बीजेपी वैक्सीन ने देश को बचाया है, कोरोना जैसी महामारी से देश को बचाया है। और जो बचाता है, संकट का जो साथी होता है, वही सच्चा साथी होता है। वोट की चोट से गुमराह करने वाले लोगों को अब करारा जवाब दीजिए कि जो बचाएगा वही सच्चा साथी है, शेष तो अवसरवादी है। भाजपा के दिग्गज लगातार चुनावी रण में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी हो या सीएम योगी, सभी लगातार विधानसभा क्षेत्रों में जा जाकर जनता के बीच पैठ बना रहे हैं और मतदाताओं को साधने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जनता दिग्गजों का साथ देती है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। भारत माता की, भारत माता की।